नमस्कार, मैं हूं मनीष ठाकुर और आप देख रहे हैं द व्यूज मीडिया। राम जन्मभूमि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने, ये सैकड़ों साल से हर सनातनी का सपना था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब यह सपना जमीन पर उतर चुका है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वहां भूमि पूजन किया, उसके बाद मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई। लेकिन यह फैसला किया है राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है मंदिर निर्माण की, कि इस मंदिर के निर्माण में हर सनातनी की हिस्सेदारी हो, भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से लेकर हर भारतीय की हिस्सेदारी हो, ताकि हर किसी को यह एहसास हो, हर किसी का यह भरोसा जगे कि उस मंदिर में, उस आस्था में, उस हर सनातनी, हर राष्ट्रवादी की अपनी अपनी हिस्सेदारी है और उस मंदिर के प्रति अथाह श्रद्धा और सम्मान बरकरार रहे। इसलिए राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने यह तय किया है कि 10 रुपये, 100 रुपये और 1000 रुपये के कूपन तैयार किए गए हैं आपके लिए, और इस कूपन के माध्यम से आप राम जन्मभूमि निर्माण में 1 ईंट, 2 ईंट, 100 ईंट आप अपनी श्रद्धा से अपनी हिस्सेदारी दे सकते हैं। इसके लिए वो कूपन है और आपकी कूपन से, आपकी दान से ही उस मंदिर की ईंट दर ईंट जुड़ती चली जाएगी। उसके बाद ऐसा नहीं होगा दूसरे मंदिरों की तरह कि किसी धन्ना सेठ ने उसके निर्माण में अहम भूमिका निभाई है। वैसे इसके निर्माण में पटना के हनुमान मंदिर की तरफ से 1 करोड़ रुपए का दान सबसे पहले दिया गया। कई दान आए हैं, लेकिन तीर्थ ट्रस्ट ने यह तय किया, विश्व हिंदू परिषद जिसकी इसमें अहम हिस्सेदारी है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक जो कमेटी बनाई गई थी उसमें जो विश्व हिंदू परिषद के मुखिया चंपत राय की तरफ से यह फैसला किया गया, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद ने इस आंदोलन को चलाने में बड़ी भूमिका निभाई, चंदा शुरुआत में जमा करने में बड़ी भूमिका निभाई। कई षड्यंत्रकारी, मनीष तिवारी जैसे षड्यंत्रकारियों ने यह भी आरोप लगाए कि इस मंदिर के लिए जो चंदा इकट्ठा किया गया उसमें लूट खसोट हुआ। ये आरोप तमाम बेबुनियाद साबित हुए और ये हिसाब पूरी तरह से सामने रखा गया कि किस तरह से जो पुराने चंदा के पैसे हैं वो अभी भी फंड में जमा है, इसकी पूरी तफसील से जानकारी चंपत राय जी ने दी थी। लेकिन जो मूल मुद्दा है वो ये कि ऐसी प्लानिंग क्यों की गई कि भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, हर किसी की तरफ से ये कूपन काटा जाएगा। और आरएसएस की शाखा, हर शाखा के पास ये जिम्मेदारी है कि अपने अपने क्षेत्र में वो चंदा इकट्ठा करेंगे, टोली बना करके मकर संक्रांति जो 15 जनवरी से है, 15 जनवरी से लेकर के ये प्रक्रिया शुरू होगी और ये लगातार चलती जाएगी। और इस प्रक्रिया के तहत टोली बना करके जो है स्वयंसेवक अपने अपने इलाके में, अपने अपने इलाके में जाकर के वो चंदा इकट्ठा करेंगे और उस चंदे के माध्यम से वो चंदा जमा होगा राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के पास, और उसके बाद मंदिर निर्माण की प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी। ये माना गया कि मात्र 15 दिन के अंदर चंदा वसूल कर लिया जाएगा। तो ये कल्पना कीजिए कि इतने बड़े देश में, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, कच्छ से कामाख्या तक, पूरे देश भर में ये चंदा वसूला जाएगा। और अब व्यक्ति अपने सामर्थ्य के मुताबिक, ये भी नहीं किया गया कि चंदा की रकम बहुत ज्यादा रखी गई है, इसीलिए 10 रुपये की भी हिस्सेदारी है कि हर भारतीय, हर सनातनी अपने आराध्य के लिए, भारत के सांस्कृतिक पुरुष के लिए, जो उसकी जन्मभूमि पर जो मंदिर निर्माण का जो सपना है, उस सपने का हिस्सा बन सके, ये एक महत्वपूर्ण प्रयास किया गया है। मुझे लगता है कि राम मंदिर का निर्माण शायद इसी तरीके से होना चाहिए। और ये प्लानिंग कहाँ की गई, ये कैसे हुई, ये सब सामान्य बात नहीं है। उस समय भी ईंट दान करने की परंपरा शुरू की गई थी, लेकिन बदले दौर में अब आपको इसके लिए जिम्मेदार इसलिए बनाया गया कि आसान और सरल हो सके और आप अपने आप में फील कर सकें, महसूस कर सकें कि भारत के जो आराध्य हैं, भारत के जो सांस्कृतिक पुरुष हैं, भगवान राम, जो सालों तक जो
टेंट में रहे, उसकी पीड़ा जो आम भारतीयों को होती रही कि बारिश में, तूफान में, धूप में, हर समय में जो सालों तक टेंट में भगवान राम रहे, अब भव्य मंदिर में होंगे और आप सबकी उसमें हिस्सेदारी होगी। कुछ ही दिनों में आपके घर भी स्वयं सेवक पहुंचेंगे और आपसे चंदा लेंगे, आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से, और वह छोटी रकम है, 10 रुपये, 100 रुपये। वर्तमान में भी ये 2 कूपन काटे गए हैं और इससे 15 जनवरी को जो मकर संक्रांति है उससे यह सिलसिला शुरू होगा और वो मंदिर निर्माण तक जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।